वेलकम गाइस हमारे यूट्यूब चैनल पे द क्लेवर माइंड फॉर एवरीथिंग। आज हम करने जा रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 7 का इंग्लिश सब्जेक्ट का फर्स्ट लेसन 1.1 पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। चलिए हम इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करेंगे। पहले एक एक पैराग्राफ दो दो लाइन करेंगे हम, और मैं ऐसे वीडियो बनाते रहूँगा। आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और फिर मैं इसके बाद में मराठी हिंदी ऐसे करते करते एक एक पूरे लेसन का ऐसे करते करते बनाते जाऊंगा। चलिए 1.1 पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट मतलब तो आपको पता ही होएगा जो बीत चुका है, प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है, और फ्यूचर मतलब जो आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड व्हाट द पास्ट इज लाइक टू थी। एन एंटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड विथ अ वाइंडेड सिंग मोर फुली। टेल मी व्हाट इज द प्रेजेंट आवर अ ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे व्हेन अ यंग बर्ड सिट्स गैदरिंग इट्स पावर टू माउंट एंड फ्लाई अवे। एंड व्हाट इज द फ्यूचर हैप्पी वन A sea breath, a cloudless sun, a mighty, glorious, dazzling sea, stretching into infinity. चलिए अब एक्सप्लेन करते हैं हिंदी में। टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड व्हाट द पास्ट इज लाइक टू थी। इसका मतलब है मुझे बताओ मुस्कुराते हुए बच्चे तुम्हारे लिए क्या अतीत है। अतीत मतलब क्या अच्छा लगता है, लाइक मतलब अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है। तब उस बच्चे ने बोला एन एंटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड विथ अ वाइन दैट सिंग मोर फुली। एक पतझड़ी के मौसम की तरह कोमल और सौम्य, जैसे हवा शोक दर्शाती है। एक पतझड़ी मतलब एंटम मतलब जब देखो ये पेड़ के पूरे पत्ते गिरते रहते हैं, और सॉफ्ट तब वो आपको कैसा लगता है, सॉफ्ट एंड माइल्ड यानी कि कोमल और सौम्य। विथ अ वाइंडेड सिंग मोर फुली, और जैसे हवा शोक दर्शाती है यानी कि जब हवा चलती है एकदम जोर जोर की, तब आवाज़ आते है कि नहीं, ऐसा आता है करके आवाज़ आते है कि नहीं। टेल मी व्हाट इज द प्रेजेंट आवर अ ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे। मुझे बताओ वर्तमान समय क्या है, बिल्कुल हरे फूलों के फुहारे की तरह। यानी कि उसमें पूछ रहे हैं कि मुझे बताओ कि प्रेजेंट आवर मतलब जो चल रहा है वो क्या है। तब वो बच्चे ने बोला बिल्कुल हरे फूलों के फुहारे की तरह, यानी कि बिल्कुल हरे फूल तो आप देखे ही होंगे उनकी ही तरह। वेयर अ यंग बर्ड सिट गैदरिंग इट पावर टू माउंट एंड फ्लाई अवे। हाँ, जहाँ एक युवा पक्षी अपनी शक्ति को इकट्ठा बैठता है, मतलब कि जो जो पेड़ आप इधर देख रहे होंगे, इधर है ये, इधर बर्ड है आप देख रहे होंगे, ये इसको ये बर्ड को आप देख ही रहे होंगे, ये इसको बोला गया वेयर अ यंग बर्ड सिट्स गैदरिंग इट्स पावर टू माउंट एंड फ्लाई अवे। यानी कि जहाँ एक युवा पक्षी अपनी शक्ति को इकट्ठा बैठता है, जो पक्षी है वो पूरा अपने शक्ति को इकट्ठा कर रहा है, और पहली बार उड़ान भरने के लिए, पहली बार जब कोई बर्ड बॉर्न होता है तब वो तुरंत ही उड़ना शुरू थोड़ी ना हो जाता है, उसको थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगता है। वैसे ही इसने पहले अपना पूरा शक्ति इकट्ठा किया और टू माउंट एंड फ्लाई अवे पहली बार उड़ान भरने के लिए। एंड व्हाट इज द फ्यूचर हैप्पी वन अ सी ब्रिंथ अ क्लाउडेस सन। भविष्य तुम्हारे लिए क्या है, तब बच्चे ने बोला खुशहाल, जैसे बादल सहित सूर्य समुंदर दिखाई देता है। यानी कि
उसने पूछा भविष्य तुम्हारे लिए क्या है, तब उसने बोला खुशहाल, जैसे बादल रहित सूर्य समुद्र दिखाई देते हैं। आपने कभी कहीं देखा होगा कि बादल रहते हैं जब सूर्य जो रहते वो सेट होते हैं, और समुद्र को तो वो टाइम पे आपने देखा ही होगा कितना मस्त लगता है। अ माइटी ग्लोरियस डेजिंग सी स्ट्रेचिंग इनटू इन्फिनिटी, जैसे ताकतवर महान बहुत चमकीला समुद्र आनंद में खींच रहा है, यानी कि जैसे ताकतवर मतलब जो ये समुद्र रहता है वो तो ताकतवर होता ही है, महान भी होता है और बड़ा भी होता है, गहरा भी होता है, बहुत चमकीला भी होता है, शाम के टाइम पे आपने देखा होगा समुद्र को, आनंद में खींच रहा है यानी कि देख के आनंद में खींच रहा है, खुश खुश होके। ठीक है, इसको ये पोयम को लिखा है इमली ब्रॉन्टी ने, इमली ब्रॉन्ट आप इधर देख सकते हैं। पहले इसको आप गूगल पे सर्च मारिए इमली ब्रॉन्ट, आपको इनका इमेज आ जाएगा। ठीक है गाइस, आज हमारा ये वीडियो ख़त्म हो चुका है। हमारी वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। ओके बाय, थैंक यू।